आज का टॉपिक रहने वाला है सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है। जब आप ये चीज़ सोचना ही बंद कर दोगे ना कि सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है, तो यार आप जिस फील्ड में भी हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी फील्ड में आप हो, 100% कामयाबी मिलेगी। क्योंकि यार सोसाइटी ना हमारी थी, ना हमारी है, ना हमारी रहेगी। इसीलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने काम पे फोकस करो, जो काम कर रहे हो 100% दो। ये नहीं सोचो कि यार शर्मा जी का लड़का आगे बढ़ गया तो मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, भाई अभी मैं जॉब ही कर रहा हूँ, बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास कम पैसे आ रहे हैं। एक्सक्यूजेस बनाना, मतलब कि बहानेबाजी छोड़ के लग जाओ पूरे काम से और अपने काम से प्यार करो। और सफलता यार उसी को मिलती है जो यार बहाना नहीं बनाना जानता है। लूजर्स के पास हज़ार बहाने रहेंगे कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं सुबह नहीं उठ पाया, मैं रात को नहीं सो पाया, ये है वो है, बहुत सारे बहाने। पर विनर्स के पास सिर्फ रहता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और आगे बढ़ें। मैं तुमको अपना स्टोरी एक मिनट का बताना चाहूँगा कि जब मैं शुरुआत में अपने यूट्यूब शुरू किया था क्लास 12 के जस्ट बाद, तो बहुत सारे मेरे मतलब कि रिश्तेदार लोग बोले और बहुत सारे दोस्त लोग बोले कि भाई क्वाइट कर दे यार, कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या कर रहा है यार ये सब, ये है। मैं उन सब बातों को हंस के बोलता था कि भाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, धीरे धीरे बढ़ेंगे। मेरा एक पैसन है कि यूट्यूबर बनना और आज सभी के सामने मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर बन गया हूँ। तो आप अपने फील्ड में आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ कहना कहना कहना। आगे बढ़ते जाओ, लोग आपसे क्या चाहेंगे, कैसे आपसे बात करेंगे, वो आप सफलता जब हो जाओगे ना, सफल मतलब सक्सेसफुल पर्सन बनने के बाद आप नज़रिया चेंज रहेगा खुद में। जैसे कि मान लो 4 साल हम लोग पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, उसके बाद बहुत लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। अरे भाई क्यों नहीं मिलेगा जॉब, तुम कॉलेज में गए, पढ़ाई करते थे, हर समय तो बंक मारते थे, टीचर लोग आते थे, वही 4 लोग का जॉब हो जाता है 40 लोग में और 36 का नहीं होता है। क्यों, क्या डिफरेंस है उसमें और हमारे में? दिमाग सेम है, हाथ सेम है, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि अपना माइंड सेट को अलग किया है, तुम अपने माइंड सेट को अलग किए हो। उसका माइंड सेट था कि मैं जॉब पाऊँगा, मैं बिजनेस खड़ा करूँगा, और तुम्हारा था कि यार इन्जॉय करते हैं भाई, लाइफ को इन्जॉय करते हैं, मस्त रहते हैं। 5 साल बाद वो बहुत आगे चल चुका होता है और आप 5 साल पहले जो मस्ती करते हैं उससे आपको पछतावा होता है कि भाई काश एक ट्राई और मिलता है यार, रिवर्स हो जाता लाइफ तो मैं पढ़ता, अपनी लाइफ में इतना मस्ती नहीं करता, फालतू की पार्टी ये वो नहीं करता। लग जाओ पूरे मेहनत से, लग जाओ आज से, लग जाओ अभी से, लग जाओ इसी वक्त से, लग जाओ अपने फील्ड में, पक्के खिलाड़ी तो बनो यार, मिलेगा 100% मिलेगा, बस हार मत मानो, लग जाओ अपने फील्ड में। और हाँ तो दोस्तों, सेकंड मोटिवेशन जो टॉक्स है वो आता है कि यार जो सफलता है ना वो पाने के लिए हमें क्या चीज़ करना चाहिए। पहला ये है कि यार अपने आप को परफेक्ट बनाओ, किसी के लिए नहीं खुद के लिए परफेक्ट बनाओ, किसी को इम्प्रेस नहीं, अपने आप को परफेक्ट बनाओ, किसी के प्यार में नहीं अपने काम से प्यार करो और लग जाओ फुल पावर से उस काम को कर दिखाओ जो चीज़ में तुम बेस्ट हो, जॉब या बिजनेस, जिस चीज़ में तुम बेस्ट हो लग जाओ आज से। यार दुनिया की छोड़ दो, क्योंकि यार दुनिया डैश थी, डैश है, डैश रहेगी। सो आप लोग अभी से इस वक्त से अपने आप को परफेक्ट बनाओ, किसी के लिए नहीं अपने आप के लिए परफेक्ट बनो और अपने लिए आज से जीना शुरू कर दो यार। और 4 साल बाद की मेहनत के लिए आज से यार काम पे लगना ही पड़ता है, इसीलिए अपने फील्ड में बेस्ट बनो 100% दो, जरूर कामयाब हो गया। तुम अपने पेरेंट्स के लिए कामयाब होगे, अपने फ्रेंड्स के लिए कामयाब होगे, 4 साल बाद जो अपना फ्यूचर देखना चाहते हो उसके लिए तुमको कामयाब होना पड़ेगा, जरूर हो गया। सो हेलो दोस्तों, कैसा लगा हमारा एक छोटा सा मोटिवेशन टॉक्स? यदि अच्छा लगा होगा तो आपको पता है हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट टॉपिक किस पे बना सकता हूँ।